और इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, सलमान खान के फार्म हाउस में जबरदस्ती घुसने की कोशिश के आरोप में मुंबई पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों के पास से फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद हुए हैं और खास बात यह है कि दोनों आरोपी पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं, लिहाजा पूछताछ भी अब की जा रही है। विवेक ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या जानकारी है, कब का ये पूरा मामला है? पंजाब कनेक्शन है तो जांच पड़ताल भी अब आगे की जा रही होगी। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि सलमान खान को पहले से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी है। धमकी मिलने के बाद सलमान खान की जो सुरक्षा है वो वाई प्लस कैटेगरी रखी गई है और सलमान खान 24 घंटा सुरक्षा के घेरे में रहते हैं। ऐसे में उनके नवी मुंबई के पनवेल में दो संदिग्ध लोगों की घुसना, जबरन घुसना, अपने आप में बड़ी खबर है और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। और चौंकाने वाली बात यह है कि जब उनकी पहचान पत्र मांगा गया तो दोनों पहचान पत्र उनके फर्जी निकले हैं और सबसे बड़ी बात है कि दोनों पंजाब के रहने वाले हैं, इसलिए मुंबई नवी मुंबई पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि आखिरकार क्यों वो लोग आए थे, क्यों किस लिए आए थे। लेकिन जो पकड़े गए संदिग्ध है उनका साफ तौर पर कहना है कि वो सलमान खान के बहुत बड़े फैन थे, इसलिए वो उनका फार्म हाउस देखने वहां पर पहुंचे थे। ठीक है विवेक, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।